आज दुईटी रिसर्च बुक आरआई भुवनेश्वर तरफरु एठी उन्मोचन करा जाउछि। एजुकेशनल रिसोर्सेस हर्बल गार्डन रिसोर्स सेंटर थीम पार्क एवं implementation of NCERT interventions at school stage, a journey of research in Chilika block, Odisha. जय जगन्नाथ। आज की इस कला उत्सव में, छठवीं कला उत्सव में देश के सभी प्रांत तथा यूनियन टेरिटोरी से आए हुए 38 कल्चरल ट्रूप के लगभग 800 प्रतिनिधि ये लघु भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में भुवनेश्वर पहुंचा है। मैं आप सभी को भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से और मेरे निजी जिम्मेवारी के नाते मैं आपको उड़ीसा में, महाप्रभु की इस धरती में, इस सांस्कृतिक धरती में स्वागत करता हूं, अभिनंदित करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। आपकी ये 3 दिन की प्रतियोगिता अत्यंत सफल होगा। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने 2015 से कला उत्सव की कल्पना हम सभी को देके, हम सब जानते हैं हमारी जो विद्यार्थी या जो शिक्षक पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, टीचिंग लर्निंग में लगे हैं, उनकी पेडागोगी में, उनकी पढ़ाने की प्रक्रिया में उदाहरण, वर्णन और अभिव्यक्ति के रूप में कला संस्कृति ही आती है। उदाहरण कला संस्कृति का आधारित दिया जाता है। कई घटनाओं को समझाने के लिए गाने की सहारा लेना पड़ता है, कई विषयों को समझाने के लिए पिक्चर की सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारी देश की शिक्षा प्रणाली में कला संस्कृति का अटूट रिश्ते हैं। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी दुर्दैव से भारत की शिक्षा प्रणाली में एक सीमा है। हम मानते हैं जो बच्चा किताबों में नहीं घुसता है, खेलता है या नृत्य करता है या संगीत करता है, हम मानते हैं ये तो बिगड़ गया। ये पढ़ाई नहीं करता है, गाना गाता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, डांस करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ खेलता है। मित्रों, जमाना बदल रहा है। इस राज्य में बच्चे सब आए हैं। मैंने पूछा साकलानी जी को, अग्रवाल जी को कि क्या ये बच्चे कोणार्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोणार्क जाएंगे ना आप लोग? क्यों जाना चाहोगे? कोणार्क पक्का जाना, आपकी योजना भी है। आप जानते हैं कोणार्क मंदिर का पूर्णांग कौन किया था? कोणार्क की पूर्णांग हजारों साल पहले वैज्ञानिक आधार पे लोहा, मैग्नेटिक पावर, आर्किटेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन, ओशनोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे विद्या की एक नमूना है कोणार्क मंदिर। यह कोई सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। दुनिया में सूरज पहले आता है तो उसका पहला किरण कोणार्क में आता है। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से उसको सोचिए। जिन्होंने उसको कल्पना किया था, कितना सटीक कल्पना किया था। वैसे कोणार्क को आप लोगों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। और जानते हैं उस कोणार्क का फिनिशिंग टच कौन दिया? उड़िया में उसको कहा जाता है मुंडी मारना, ने कलश बिठाना ऊपर। 1200 कारीगर लगे थे, वो कारीगर कलश नहीं बिठा सकते थे, नहीं बिठा पा रहे थे। डर था राजा आएगा कल सबको हत्या करेगा। राजा ने वार्निंग दिया था, अल्टीमेटम दिया था, कल सुबह तक अगर वो मंदिर पूरा नहीं होता है तो 1200 श्रमिकों की कारीगरों की हत्या की जाएगी। चिंता थी। एक 12 साल की लड़का एक कारीगर की बेटा जवाब जैसे था, शायद उस समय में पढ़ाई का इस प्रकार की मौका उसको नहीं मिला होगा, लेकिन वो कितना कुशली था, कितना विद्वान था। वो चढ़ के गया, चुपचाप वो कलश बिठा के आया। उसका नाम है धर्म पद। उड़िया जीवन में, भारत की संस्कृति में धर्म पद एक बालक की सर्वोत्तम शिक्षा की विकल्प है, परिचय है, पर्यायवाची है। मित्रों, हमारी सभ्यता में ये कला, साहित्य, संस्कृति के माध्यम से हम शिक्षा को आत्मसात करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 से, कोरोना के कारण 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन फिर इस बार उसको स्थापित किया जा रहा है। जिला स्तर की स्पर्धा आपकी हुई है, राज्य स्तर की स्पर्धा आपकी हुई है। इस साल 2023 में आपकी ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मैं आपको आज न्योता देके जा रहा हूं।